मंडला जिले के ग्राम विरसा में प्राथमिक शाला भवन का छज्जा अचानक ही भरभराकर गिर गया है, जिससे एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। जब खबर मध्य प्रदेश की टीम ने स्कूल का दौरा किया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मंडला जिले की बिछिया विकासखंड के करंजिया ग्राम पंचायत की पोषक ग्राम विरसा के प्राथमिक शाला भवन का छज्जा गिरने से एक बच्चा घायल हो गया है, जिसका कटरा हॉस्पिटल मंडला में इलाज जारी है। इसी मामले को लेकर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम विरसा ग्राम पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया है। जब हम स्कूल पहुंचे तो यहाँ चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। स्कूली बच्चों ने कहा है कि पिछले 3 दिन से उन्हें मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। जब हमने सहायक शिक्षक संतलाल धुर्वे से बात की तो उन्होंने रसोईया का बहाना बता दिया कि रसोईया अभी नहीं आ रही है। जब हमने मध्याह्न भोजन को लेकर ग्रामीणों से जानकारी ली तो कैमरे के सामने न आने की शर्त में बताया गया कि रसोईया तो आते हैं, लेकिन यहाँ की सहायक शिक्षक संतलाल धुर्वे के द्वारा खाद्यान्न सामग्री नहीं दी जाती है, इसलिए बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा। ग्राम के प्राथमिक शाला पे हैं, जहाँ पे बच्चों को 3 दिन से मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है। और बच्चों से जानना चाहेंगे कि बच्चे आज हम लोगों को बताए कि 3 दिन हो गए हमें मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। बच्चों क्या क्या देते थे और अभी कितने दिन से नहीं दिया आप लोगों को? 3 दिन से खाना नहीं दिए। तो क्या करते हो आप? खाना घर से जाकर खाते हो? यस सर। तो बच्चों का कहना है कि हम घर पे जाकर खाना खा रहे हैं। अब टीचर है हमारे पास, सर आप बताइए कि बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि संचालन समूह का आप ही कर रहे हैं। बच्चों के मुंह से, नौनिहालों के मुंह से आपने निवाला छीना, इसका क्या आप इसका जवाब दो हमें? ये खाना बनाने वाले भाई रसोईया न पहुँचने कारण है। 3 दिन से नहीं पहुँचे? जी 3 दिन से नहीं पहुँचे। रसोईया कौन सी, कितनी दूर पे? दिल्ली पे है, बॉम्बे पे, कहाँ पे है? आप बुला नहीं सकते उनको? नहीं, फोन के माध्यम से उनको बुलवाए तो नहीं आ पाए, वो कुछ कारणवश रहा, वो आएंगे तो बताएंगे। तो कितने दिन से, मतलब कितने दिन नहीं आएंगे वो बच्चे? कब तक ऐसे रहेंगे? कल से आ जाएंगे। आज बुलवाए थे, साहब लोग भी बुलवाए थे, तो बोले हैं कि कल से हम रेगुलर आएंगे। तो क्या समूह का संचालन एक टीचर कर सकता है? नहीं कर सकता सर, यहाँ मजबूरी है, समूह नहीं है गाँव में, और दूसरे समूह वाले लेना नहीं चाहते। तो फिर आप विवाद कर रहे होंगे, इस वजह से लेना नहीं चाह रहे? हम तो देना चाह रहे हैं, अभी देना चाह रहे हैं, अभी अगर लेना चाह रहे हैं तो अभी दे देंगे हम। तो फिर ऐसे कब तक चलेगा? क्योंकि आप 3 दिन हो गए, 3 दिन में आपकी दर्ज संख्या क्या है स्कूल की? अभी 34 है। 34 जी। आज कितने बच्चे आए? 24। 10 बच्चे अब्सेंट है। और अभी सुनने में आया कि यहाँ पे भी छज्जा गिरने से 2 बच्चे घायल हो गए, तो वो कैसा हुआ? और आपके द्वारा अभद्रता की गई है परिवार वालों के साथ, गाली गलौज भी की गई है, परिवार वालों का आरोप है, सच्चाई क्या है? नहीं, गाली गलौज कुछ नहीं हुई सर, ना हमारे आने उनके पालकों के साथ, ना गांव वालों के साथ कोई विवाद नहीं है, ना कोई झगड़ा, नहीं विवाद ही नहीं किए हम तो, मैं खुद। लेकिन गाँव वालों का कहना है, परिवार के बच्चों, परिवार वालों का कहना है कि शिक्षक सोनू लाल धुर्वे, क्या लिखते हैं, संत लाल धुर्वे के द्वारा अभद्रता की गई है। जब बच्चे को चोट लगी तो उसको प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाना था, आपने नहीं ले गया? नहीं, मैं खुद ले गया हूँ। गांव वालों का आरोप है? नहीं, मैं खुद ले गया हूँ। बच्चे को कितनी चोट आई? पैर में फ्रैक्चर है और माथा में कुछ चोट आई है। तो गलती आपकी है, आप देख रेख में बच्चे जब उनके गार्जियन आपके पास छोड़ते हैं आपकी जवाबदारी पे, तो आपको देखना चाहिए फिर घटना कैसे घट गई। लंच हुई थी सर, हम लोग पुस्तक जमाने में लग गए, दोनों टीचर बाहर निकल के नहीं देख पाए उनकी गतिविधियों को। तो पुस्तक जमाने में 2 टीचर लग गए? जी, मिलान कर रहे थे, मैं लिख रहा था सर, बोलते जा रहे थे। तो फिर बच्चे को पढ़ाते कब? नहीं, लंच हुई थी सर, पुस्तक बांटे थे, उसके बाद लंच हुई थी। बाद में भी तो काम हो सकता था, जब बच्चे, आपको मालूम है कि जब पास में कैमरा इस साइड घुमाओ, डैम है, हेलोन डैम परियोजना, हेलोन परियोजना का डैम है यहाँ, इससे लगा हुआ स्कूल है जी, कल को बच्चे यहाँ डूब जाए, कुछ घटना हो जाए, तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी? टीचर की क्या जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी, क्या है कि डैम से लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है, बारिश का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं,
इसकी जवाबदारी क्या, आज ये घटना घटी कल को डैम में कोई घटना घट सकती, इसकी जवाबदारी किसकी होगी कि आप किताब जमाते रहेंगे बच्चों को कुछ हो जाए? नहीं सर, हम तो रेख देख करेंगे बच्चों को और सजेशन भी देंगे कि डैम तरफ नहीं जाने, और जाने भी नहीं देंगे हम। तो आप क्या रेख देख किए कि बच्चे आज कटरा हॉस्पिटल में भर्ती है, एक बच्चे का 3 जगह से पैर टूटा है, आपको पता है? एक बच्चे का 3 जगह से पैर टूटा है, एक के सिर में चोट है, आपको जानकारी है? जी। क्या फिर क्या रेख देख कर रहे हैं, आपकी जवाबदारी बनती है। उसके बाद आपने परिवार जनों से अभद्रता भी की है, आरोप है, परिवार वालों का आरोप है। परिवार वाले वहां बोले होंगे, लेकिन मेरे सामने यार गांव वाले भी देखे होंगे तो बताएंगे मैं उनके साथ गलत व्यवहार किया होंगे। तो अगर गलत व्यवहार करते तो अस्पताल तक भी नहीं जाता। तो एक तरफ देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया बच्चों के लिए बहुत कुछ करने को सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टीचर भी हैं मध्य प्रदेश के अंदर जिनके हाल इतने हैं कि बच्चों के मुंह से, नौनिहालों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। 3 दिन हो गए बच्चों को खाना नहीं दे रहे हैं, बच्चे घर जाकर खाना खा रहे हैं। और अभी एक घटना घटी जो छज्जा टूटने से बच्चे को चोट लगी और बच्चे हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं। अब देखा शिक्षकों की लापरवाही पर हमने जिला शिक्षा समिति के जिला अध्यक्ष एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश तेकाम से खास चर्चा की है, जिसमें उन्होंने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर एक्शन लेने की बात कही। में जो घटना घटी जिससे बच्चे घायल हुए हैं और जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं बिरसा प्राथमिक शाला के, तो यहाँ जैसे जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश तेकाम और साथ में जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी, उनको जानकारी लगते ही तुरंत आनंद फानन में घटना स्थल पे आए हुए हैं। उनसे जानना चाहेंगे जो घटना घट रही है स्कूलों में उसका कारण क्या है। क्या ये सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये पूरे जिले में इस टाइप की घटनाएं और भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी जब से मैं हूं तो मैंने देखा है 131 स्कूलों का मिडिल स्कूल की रिपेयरिंग के लिए आया था, और जहाँ पर भी मैं जाता हूँ तो रिपेयरिंग के लिए मैं वहाँ संज्ञान में लेके शिक्षक से बात करके, गांव वालों से बात करके, और मैं अपने पत्र के माध्यम से जो निर्माण विभाग है सर्व शिक्षा अभियान के इंजीनियर को मैं कम से कम 350 प्रस्ताव दे चुका हूँ, और 500 के करीब उनने भी स्वीकृति के लिए मंगा। तो अभी तक मात्र 131 हुए हैं, और ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है पिछले 15 सालों से ये मरम्मत का कार्य हुआ ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पूरे ग्रामीण एरिया में ये हालत है, और मैं जिला प्रशासन से मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जहाँ भी राज्य शिक्षा हो या भोपाल से ऐसी स्वीकृति के लिए, क्योंकि हम यहाँ से पत्र के माध्यम से मांगते हैं, लेकिन माननीय कलेक्टर महोदया से भी मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो भी प्रयास करें और पूरा प्रशासन इसमें करें, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। जैसे आज घटना हुई है, ये वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये पुरानी बिल्डिंग है, और नई जो यहाँ स्वीकृति के लिए जो बन रही है उसको मैं अभी देखूंगा और फिर उसके बाद में चर्चा करूँगा। तो यहाँ पे जो घटना घटी है इसमें तो बिल्डिंग जर्जर है, और अभी टीचरों, ग्रामीणों का आरोप है कि टीचर भी अभद्रता की है उन परिवारों के साथ जिनके बच्चे घायल हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना, क्या ऐसे टीचरों को करना चाहिए? नहीं, अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले प्राथमिक उपचार के लिए टीचर की जिम्मेदारी है, और मुझे तो नहीं पता कि ऐसा हुआ है, ये ग्रामीणों ने बताया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे टीचरों की लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ पास में हालोन परियोजना का डैम है, बन रहा है, पानी भरा हुआ है, बच्चों खेलते हैं यहाँ पे मैदान पे, यहाँ से बच्चे यदि डैम पे चले जाएं या कोई घटना घट जाती है तो जब जवाबदारी टीचरों की बनती है कि टीचरों को रेख देख करना चाहिए। टीचरों का कहना कि हम अंदर थे और वो घटना घट गई, ऐसे में कोई बड़ी घटना भी घट सकती थी, इसकी जवाबदारी किसकी होगी? नहीं, ये एक डिसिप्लिन की बात है कि एक टाइम टू टाइम ये तो सब सिखाया जाता है, शिक्षक पता नहीं बताते हैं नहीं कि इतने बजे क्लास लगना, इतने बजे छूटना, और जो भी जो बीच में रिसेस या लंच टाइम होता है उसमें बच्चों को जाना नहीं चाहिए वैसे तो। और टीचर, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर कोई शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी है, और बच्चों को ये बताया जाता होगा, क्योंकि मैं भी एक पूर्व शिक्षक रह चुका हूँ तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि शिक्षक ऐसा नहीं करेंगे कि बच्चों को बोले। शिक्षक थे, शिक्षक रह चुके हैं, बच्चे भी तो थे। क्या बच्चे जब हम भी छोटे थे पढ़ते थे तो हम भी कहना नहीं मानते थे, हम भी देख खेलने के लिए चले जाते थे। तो उसमें टीचरों की जिम्मेदारी बनती है कि वो समझाएं, क्योंकि
पालक तो उनको पहुंचा देते हैं शिक्षकों की जिम्मेदारी पर, तो क्या बच्चों को समझाना किनका काम है? नहीं, 10 से 5 जितना भी टाइम रहता है वो शिक्षक की जिम्मेदारी रहती है कि वो डांट के जैसा भी हो, और उतने बजे तक तो कोई भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी रहती है टीचर। तो क्या ऐसे लापरवाह टीचरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, जो भी है वो जिला प्रशासन को या शिक्षा विभाग में मैं अपने पत्र के माध्यम से दे दूंगा जो भी कार्रवाई करना। तो जे थे हमारे साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश तेकाम जी और जिला शिक्षा समिति के जिला अध्यक्ष। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।